राजस्थान की कांग्रेस सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है 3.5 साल में, उन्होंने जन विरोधी काम कर रहे हैं, झूठे वादे करके जो आई, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का 1 नया पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे, आज सब उसके उल्टा हो रहा है। इतनी भ्रष्टाचार हो गया है इस प्रदेश में, पूरे देश में नंबर 1 पे आज ये प्रदेश आ गया है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आज पानी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, उसके खिलाफ आज अजमेर देहात की तरफ से सभी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व सभी आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए महामहिम राज्यपाल के नाम। अभी अंदर बिगड़ती पेयजल व्यवस्था, बिजली, चिकित्सा और नरेगा के अंदर भेदभाव, इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात द्वारा ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कलेक्टर के माध्यम से हम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन भेजेंगे और ये मांग करेंगे कि इस राजस्थान के अंदर इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था चौपट है, सरकार बाड़े में है और बदमाश गुंडे मवाली सड़कों पर है, बहन बेटियों का जीना दुर्लभ कर दिया है, बहन बेटियों का जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, बच्चों को कॉलेज में जाना दुर्लभ हो रहा है, इन सारे घटनाओं को महामहिम राज्यपाल संज्ञान लेकर कर इस अशोक गहलोत को इसको बर्खास्त करे या इनको कोई सुधबुद्धि दे।